Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach, Learn and Grow With Me. आज हम बात करेंगे how to focus on your studies. ये teachers के लिए as well as students के लिए भी है, क्योंकि generally क्या होता है कि हम लोग पढ़ने तो बैठते हैं और बहुत सारा सोचते हैं कि हम आज एक chapter खत्म कर लेंगे, दो chapter खत्म कर लेंगे, पर actually में chapter complete नहीं हो पाता. तो हम ऐसी क्या क्या common mistakes करते हैं कि हमारा जो हम सोच के बैठते हैं और वो complete नहीं हो पाता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप लोग पढ़ने का प्लान करें, पढ़ें, अपने लिए ज़रूर प्लान बनाएं, मेक योर स्टडी प्लान. आप ज़रूर ऐसे रैंडम भी कभी भी बैठिए, अगर आप आधा घंटा बैठ रहे हैं तो आधे घंटे का टारगेट लेके चलिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है. ये नहीं कि हाँ चल आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे. नहीं, आप प्रॉपर अपना स्टडी प्लान बनाइए. अगर रेगुलर नहीं बना सकते, हफ्ते का नहीं बना सकते, तो एक एक दिन का प्लान बनाइए. सुबह उठ के बनाइए कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है. सुबह अगर स्कूल जाते हैं तो ऑफकोर्स रात के दिन रात को बनाएंगे अगले दिन का अपना टाइम टेबल. एंड दैट टाइम जब आप पढ़ने बैठे, ऑलवेज यूज अ स्टडी टेबल. स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करिए. इट इंक्रीजेज योर कॉन्सेंट्रेशन. आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है वो बहुत अच्छा भरता है, क्योंकि हमें कोई लेजीनेस नहीं आती है. सी, इफ यू आर स्टडिंग ऑन बेड, अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ते हैं तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग. बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बेड, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, मैं पहले बेड पे बैठ के पढ़ती थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, बट लेटर ऑन मैंने ये हैबिट को सुधारा जब मेरी टीचर ने मुझे बताया. एक्चुअली में जब हम बेड पे बैठ के पढ़ते हैं ना, तो हमें एक्चुअली में आलस आने लग जाता है. ये मुझे भी होता था, इवन मैं बैठे बैठे लेटने लग जाती थी और लेट के पढ़ने लग जाती थी. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ. तो ऑलवेज डोंट स्टडी ऑन द बेड. बेड पे क्या होता है, हमें लगता है चलो 10 मिनट थोड़ा सा हम लेट के आराम कर लेते हैं, थोड़ा अंगड़ाई ले लेते हैं. होता है, ये आपके साथ भी होता होगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कोई भी कैंडिडेट हैं. सो अपना अपना फोकस कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, स्टडी प्लान बनाइए. 40 मिनट का बना रहे हैं, एक घंटे का. सेकेंडली, यूज योर स्टडी टेबल. थर्डली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आजकल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ड्यूरिंग योर स्टडी रूटीन, जो आपके इस रूटीन को पूरा अच्छे से खराब कर दे रहा है, अच्छे से इंटरप्ट कर रहा है, दैट इज योर मोबाइल फोन. उसको स्विच ऑफ करके रखिए. जब आप पढ़ रहे हैं, एक घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए. कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं गारंटी लेती हूँ कुछ नहीं बिगड़ेगा. किसी को इतना अर्जेंट कॉल करना होगा तो आपके फैमिली मेम्बर्स के नंबर पर कर लेगा. तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका मोबाइल आपसे अगर दूर नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट स्विच ऑफ करके उसको साइड रख दीजिए, और एक घंटे तक उसको बिल्कुल मत देखिए. ऐसे कई लोग ऐसे करते हैं, साइलेंट पे डाल देते हैं, नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं. पर एक्चुअली में क्या होता है, जब फोन खुला रहता है ना, हमारी नज़र ऑटोमेटिकली क्या होती है, फोन पे जाती है. अरे कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया, अगर कहीं मेरे फ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया. आगे फोन बज रहा होगा तो वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी कि मेरा फोन बज रहा है, उसने उठाया नहीं. ऐसा कोई कुछ नहीं सोचेगा. आप अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने जितना भी कोई भी आपके रिलेटिव है, उनको बता के रखिए दिस इज माई स्टडी टाइम, तो आई एम नॉट गेटिंग डिस्टर्ब बाय द दीज डेली टास्क. तो आपको यही करना है. एंड डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की कॉपी मत करिए कि अरे वो तो दिन में 12 घंटे करता है, वो तो 10 घंटे पढ़ती है, अब मैं तो, मुझे तो अब 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा स्कोर करना है. अब मे बी जो 12 घंटे पढ़ रहा है उसका दिमाग थोड़ा, मतलब उसको समझने में चीज़ें टाइम लगता है, तो 12 घंटे वो इसलिए पढ़ रहा है. क्या पता 12 घंटे का आपको 6 घंटे में ही समझ में आ जाए. तो आप दूसरे से कंपैरिजन मत करिए, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए. आप अपनी देखिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका इंटेलिजेंस कितना है, आपको कितना नॉलेज है. मे बी अगर किसी बच्चे को एक घंटे में कुछ समझ में आ रहा है, आपको 10 मिनट में समझ में आ जाए, तो किसी और की कॉपी करने के बजाय आप अपने अपने चैलेंजेस देखिए, अपना टाइम मैनेजमेंट देखिए. आप देखिए मेरा स्कूल का टाइम इतना है, अब मेरे को कोचिंग जाना है, या अब मेरे को ट्यूशंस लेनी है, या मुझे मेरा ये प्ले टाइम है. तो पर हर एक एक्टिविटी को टाइम ज़रूर दीजिए, एंटरटेनमेंट का टाइम भी ज़रूर निकालिए. अगर कंटिन्यूसली चाचा पाँच पाँच घंटे पढ़ते रहेंगे विदाउट एनी ब्रेक, तो फिर तो पागल ही हो जाएंगे आप. तो ऐसा नहीं करिए, अपने आप को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक दीजिए, 5-5 मिनट्स 10 मिनट्स का. और जो भी आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, वॉक करना पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप वो करिए. उसके बाद फिर यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टडीज. एंड फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले, अगर आप पढ़ने से पहले अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ने बैठने वाला हूँ, तो ज़्यादा खाना मत खाइए. क्योंकि जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है. दैट इज़ अगेन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. हमें मन करता है अरे चलो थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर हम जब लेटते हैं ना उसके बाद लगता है अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं कल छुट्टी है, कल का दिन. और छुट्टी में तो हम एक्स्ट्रा सो जाते हैं. तो प्लीज़ अगर आप पढ़ने बैठने वाले, तो उससे पहले ज़्यादा फूड नहीं खाइए, ज़्यादा खाना नहीं खाइए, ठीक है. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़. अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स भी देने वाले हैं, या आप 12th का 10th का बोर्ड देने वाले हैं, और इफ़ यू आर अ टीचर एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो दिस ऑल्स
इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. अपने अपने इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए एंड देन टेक्स्ट मी कि आपको कितना ज़्यादा यूजफुल हुआ है. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.